मूली का सेवन बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि इसके फायदों के बारे में लोग जानते नहीं हैं। अकेले मूली कई रोगों के लिए गुणकारी है। इसे आप न केवल सलाद के रूप में खा सकते हैं बल्कि पराठा और दाल के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मूली सफ़ेद, पिंक और काली कई तरह का होता है जो गर्मियों और सर्दियों में उगाया जाता है। सफ़ेद मूली भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह मूली वास्तव में हमारे लीवर और पेट को साफ करने में मदद करता है। काली मूली और इसकी पत्तियों का उपयोग पीलिया के इलाज में किया जाता है क्योंकि यह अतिरिक्त बिलीरुबिन से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। आपको बता दें कि पीलिया रोग का मुख्य कारण खून में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होना है। चलिए देखते हैं किन चीजों के साथ मूली का सेवन नहीं करना है। संतरा के साथ न खाएं मूली। यदि आप मूली का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ संतरा खाने से बचना चाहिए। इन दोनों का मिश्रण भी जहर से कम नहीं होता। इन्हें एक साथ खाने से न केवल पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं बल्कि आपका पेट खराब हो सकता है। मूली खाने के 12 घंटे के बाद ही संतरे का सेवन कीजिए। क्या आप मूली खाने के बाद करेले का सेवन करते हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पेट में रिएक्शन कर सकता है। जब भी आप मूली का सेवन करें तो इसके 24 घंटे के अंदर करेले का सेवन ना करें। इसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ दिल संबंधित परेशानी होने की संभावना बढ़ सकती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसलिए मूली के साथ कभी भी करेले का सेवन ना करें। मूली के कुछ मैं फायदे बताता हूँ, जरूर देख लीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए मूली का सेवन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रहते हो। चेहरा चमकता है, चेहरे पे ग्लोइंग बढ़ जाती है। मूली एंथोसाइनिन का एक अच्छा स्रोत है जो दिल के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो मूली का सेवन कीजिए। इसके अलावा मूली में मौजूद विटामिन सी, फोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स हेल्थ को बेहतर बनाने में सहायता करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, बार बार आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाती हो तो आप मूली खाना शुरू कीजिए। मूली आपके इम्यून सिस्टम में सुधार लाता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और कई बीमारियों से आपको दूर रखता है। मूली आपके शरीर को पोटेशियम प्रदान करता है जो आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। खासकर यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो मूली का सेवन जरूर कीजिए। मूली डाइजेशन के लिए भी बेहतरीन है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये एसिडिटी, गैस्ट्रिक समस्याओं और मतली के साथ अन्य रोगों को भी ठीक करने में सहायता करता है। मूली खाने से आपका वजन तेजी से कम होता है। मूली में ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बढ़ी चर्बी, एक्स्ट्रा फैट को तेजी से बर्न करते हैं, इसलिए आप खाने के साथ सलाद में जरूर मूली खाया करें। मूली विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन के से भरपूर है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज भी पाया जाता है। आप समझ लीजिए कि मूली मल्टीविटामिन है। आप मूली खाएंगे तो आपको इतने सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जिससे आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, मूली का सेवन आज से शुरू कीजिए। मूली खाते हो तो इन दो चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते जाएं।